अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं मेरा चैनल ट्रैवल एंड टेस्ट विद आसिफ। अभी हम जा रहे हैं क्वेटा को घूमने के लिए, थोड़ा एक्सप्लोर करने के लिए। हमारे साथ फहद दुरानी। हाँ, ये है फहद भाई। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फहद दुरानी है, मैं मोहम्मद जई कॉम से बिलोंग करता हूँ और क्वेटा का रिहायशी हूँ। आसिफ भाई से काफ़ी अच्छी दोस्ती हो गई तो सोचा क्यों ना इनको क्वेटा घुमाया जाए। तो अभी हम क्वेटा कहाँ क्लब की तरफ जा रहे हैं। अच्छा, इस टाइम हम जो हैं डीसी ऑफिस के साथ हैं, क्वेटा की मेन शाहरा में से एक ही है ये डीसी ऑफिस, क्वेटा कमिश्नर ऑफिस है। अच्छा, क्वेटा कमिश्नर ऑफिस, ये क्वेटा का डीसी का ऑफिस है। अच्छा, ये साथ में हमारी कोर्ट है, सिविल कोर्ट। अरे, क्वेटा में हाई कोर्ट है? हाई कोर्ट है क्वेटा में, वहाँ से भी गुजारते हैं अभी। क्वेटा का मशहूर मारूफ पार्क लियाकत पार्क। लियाकत पार्क साइड पे हमारी लियाकत पार्क है और राइट साइड पे क्वेटा की मेट्रोपॉलिटन का ऑफिस है। वन ऑफ द ओल्डेस्ट स्कूल्स ऑफ पाकिस्तान हमारे सामने है, सेंट फ्रांसिस ग्रामर स्कूल। सेंट फ्रांसिस ग्रामर ग्रामर स्कूल लेट 1800s और अर्ली 1900s में ये स्कूल बना था। सारा लेफ्ट साइड पे जो है सेंट फ्रांसिस ग्रामर स्कूल। अच्छा, से ब्रावो बेकरी है, उसके बाद जो है वो चाइनीज रेस्टोरेंट आपका कौन सा है, सोरिसो है और जिनसोए है। लेफ्ट साइड पे आपका सेशन कोर्ट है, सामने आपका जीपीओ है और राइट पे ये हाई कोर्ट है। अच्छा, ये प्रोविंशियल असेंबली क्वेटा। राइट पे हाई कोर्ट है। सही, राइट पे हाई कोर्ट। हाई कोर्ट सही। अच्छा, फ्रंटियर कोर और लेवीज में क्या फर्क है? फ्रंटियर कोर जो है वो आर्मी बेस्ड है। अच्छा, और लेवी? लेवीज जो है वो डीसी के अंडर आती है, डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के अंदर। जी, अच्छा, एरिया के लिए होती थी क्योंकि वो लोकल पुलिस होती थी वहाँ की। अच्छा, ये सरीना होटल लेफ्ट पे। सही। अच्छा, यहाँ पे अच्छा लेवीज अलग है और बीसी अलग है। बीसी बलूचिस्तान कांस्टेबलरी। अच्छा, पुलिस का पार्ट है। अच्छा, लेवीज अभी मतलब लेवीज के दो हिस्से थे, एक फेडरल लेवीज एक प्रोविंशियल लेवीज। फेडरल लेवीज खत्म हो गई है, प्रोविंशियल लेवीज। फेडरल लेवीज जनरेशन टू जनरेशन चलते थे, जो बाप होता था उसका बेटा जो था लेवीज में डायरेक्ट भर्ती हो जाता। अच्छा, अच्छा। जगह पे डायरेक्ट। सही, वो अभी खत्म हो गई, प्रोविंशियल हो गई और बी एरिया क्वेटा का खत्म करके उसको ए एरिया में कन्वर्ट कर दिया, यानी अगेन वो पुलिस के अंडर आ गई। सही सही। अच्छा, ये मतलब कम्युनिटी पुलिसिंग जैसे सिंध में थी, कम्युनिटी पुलिसिंग जस्ट लाइक दैट। इनानी कंसुलेट। अच्छा अच्छा अच्छा। सामने जो है रेडियो पाकिस्तान का ऑफिस है, रेडियो पाकिस्तान क्वेटा। जी, रेडियो पाकिस्तान। अच्छा, खाना भी इसका बहुत अच्छा है, सूप बड़ा जबरदस्त। सूप के अलावा इसके जो एग रोल्स है वो बहुत बेहतरीन है। सामने जरा इधर कहती भाई, आसिफ भाई कह रहे मुझे क्या पता, खिला लेंगे आसिफ भाई, क्या मतलब। आसिफ भाई खाने का टेंशन नहीं लेना। आतिफ नाम है मेरा। आतिफ, ये वही फहद फुरकान भाई मेरे साथ। अभी हम आए हुए मिडनाइट क्लब। मिडनाइट क्लब जो है कहाँ पे, आप ये इनसे पूछिएगा। मिडनाइट कैफे क्वेटा क्लब का पार्ट है, क्वेटा क्लब के साथ होता है। यहाँ दोस्त यार बैठ के चाय वगैरह पी सकते हैं, कुछ हल्का फुल्का खा सकते हैं और एंजॉय कर सकते हैं। ये किस टाइम तक खुला होता है? रात को 1 बजे तक खुला होता है। अच्छा, ये क्वेटा क्लब का पार्ट है। जी, इसके मेंबर से भी बंदे से भी मिलवा लेते हैं इसको। अहमद, अहमद यहीं का इंचार्ज है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? ठीक ठाक है सर। अहमद दुरानी, कैसे हैं? अच्छा माशा, ठीक ठाक है सर। हमारे बहुत से दोस्त हैं। खैरियत से? ठीक ठाक है। अभी अच्छी आपकी सर। आसिफ साहब हैं। अच्छा अच्छा माशा। खान साहब मेहमान आए हमारे कराची। कराची से? क्या बात सर, कराची तो फिर कराची है सर। मेरी वालदा कराची से है सर। अच्छा,
हमारे ज्यादातर रिश्ते, मेरी सिस्टर का रिश्ता भी कराची में हुआ। अच्छा, हमारा कराची के साथ तो अजीब दिल लगी है सर, क्वेटा वाला। अच्छा अच्छा, कराची क्वेटा तो एक ही बार है। कराची क्वेटा आप सुनाए सर, क्या खरीदी सर, किस जगह में कराची सर? डिफेंस है। डिफेंस है, अच्छा अच्छा माशाल्लाह। हम लोग हैं, मेरी जो नानी रहती हैं वो रहती हैं ये गुलशन इकबाल में। अच्छा, गुलशन इकबाल कौन सी जगह? गुलशन इकबाल ब्लॉक ब्लॉक वहाँ पे रहती है। मामू मेरे एक डिफेंस पे रहते हैं और एक मामू है मेरे जो है वो जो जिना हॉस्पिटल है उसके पास। सही सही, माशाल्लाह बड़ी खुशी हुई सर। आप कहाँ के? आप भी कराची के? अच्छा अच्छा, माशाल्लाह क्या बात है सर। आप कराची में किस जगह से? क्या सर, नहीं लगा सर, क्या खाया आप? तो बस लग रही है, सजी लग रही है। असल में आजकल ज़रा डिमांड कम है, सोचिए ज़रा कम लगाते हैं। वैसे हमारी वीकेंड पे माशाल्लाह काफ़ी सब्जी की सेल होती है, अच्छी सेल। अच्छा, ये क्वेटा की स्पेशल है सर। अच्छा अच्छा, इसका टेस्ट भी टोटली डिफरेंट होता है बारबेक्यू से, टोटली डिफरेंट चीज़ है। एक ये एक खड़ी कबाब, खड़ी कबाब का कुछ बनाए ना प्लान? इंशाल्लाह डन है, खड़ी कबाब होना चाहिए। खड़ी कबाब जो है वो भी बलोचिस्तान का ट्रेडिशनल है, बहुत अच्छा बेहतरीन है। बलोच ट्रेडिशनल फूड है खड़ी कबाब। खड़ी कबाब पठान बलोच मिक्स है। अच्छा, सजी टोटली बलोच, सजी बलोच, सजी टोटली बलोच। हम लोग खड़ी सही, लास्ट टाइम भी आपके साथ ही आया था, इसमें आए थे ना। कल शाम को आएंगे, दोस्तों को भी बुलाऊंगा अपने। सही, कोई सर्दी महसूस हो रही है? अभी सर्दी महसूस हो रही है। और भी टोपी लेके आए हैं सिर्फ अकेले को भी भाई, ऑडिट करना है अभी बार बार। सर्दी का मजा भी ले ले, इस तरफ वाला लॉक खराब है यहां पे। डेयरिंग सी द्वारा बाकी उस तरफ और फरकान साहब तो कई दफा आए हैं। मैं आया था ऑडिट पे 12वां 13वां चक्कर और ऑडिट पे ये कैन एज ए टीम लीडर। चलो अंगड़ी बाय रख लो, हमें इधर ही बिठा दो। धुआं कर रही है, मिश्री से बू आएगी कपड़ों से। नहीं कोई इशू, कपड़ों से बू तो ख़त्म हो जाएगी। ये अंगेठी चल रही है, अब ये नवंबर का महीना है, लेकिन मकसद ये कि हैदराबाद में ना दिसंबर में और जनवरी में से सर्दी पड़ती है। हैदराबाद के बंदे ना आदि हैं, लेकिन इसके बाद जो सर्दी पड़ेगी ना क्वेटा वाली, वो तो खून जमाएगी। आज समझ लो कि जनवरी में बैठा हूँ हैदराबाद में। क्वेटा के हिसाब से कुछ भी नहीं, लेकिन हैदराबाद के हिसाब से तो मैं अब कराची में जो हम 7-8 साल रहे हैं तो ये भी बर्दाश्त नहीं होगा। अभी गर्मी लग रही है या सर्दी लग रही है? अभी सर्दी थोड़ी कम हुई है। आते हैं ऑफिस कराची, वाइब्स वही है हैदराबाद कैंट वाली। कुछ भी हो गई ना, ठंड कैसे? आज अभी कमरे में ठंड सही हो गई? हाँ यार, ठंड वैसे अच्छी थी यार। अभी रेस्ट हाउस में आ गए और रेस्ट हाउस में सोए हुए, ठंड बहुत अच्छी खासी थी। हम गए थे नाइट कैफ़े पे, लेट नाइट कैफ़े पे क्वेटा क्लब के बाहर। हमने कहा क्वेटा को थोड़ी, क्वेटा का भी थोड़ा ही वो क्या कहते हैं शहर हो जाए, इसको कहते हैं सिटी टूर। सिटी टूर क्वेटा का किया, लेकिन अभी ठंड इतनी थी कि मजबूरन हम जल्दी आ गए। और इसी के साथ आज का व्लॉग हमारा होता है मुकम्मल। आइंदा व्लॉग के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें।